हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। ये वाला एक्सप्रेसवे यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा। स्टेट के लिए तो ये बड़ा गेम चेंजर होगा। तो सोचो, गोरखपुर से शामली तक ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने में करीब 35,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ ट्रैवल को आसान बनाएगा बल्कि सेफ्टी भी बढ़ाएगा। चलो अब इसके रूट के बारे में बात करते हैं। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होके संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर होते हुए शामली तक जाएगा। अब एक और मजेदार बात, ये एक्सप्रेसवे यूपी के लॉन्गेस्ट गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 584 किलोमीटर लंबा होगा और गंगा नदी के किनारे वाले शहरों को कनेक्ट करेगा। सुनो, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे डिफेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत नेपाल बॉर्डर के पास से गुजरेगा। इससे बॉर्डर एरियाज में रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। और हाँ, इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनेगी जहां जेट प्लेन्स उतर सकेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो ये एक्सप्रेसवे सोने पे सुहागा होगा। सरकार का मकसद है कि इस एक्सप्रेसवे से यूपी में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। अच्छी कनेक्टिविटी से तैयार माल को मार्केट तक और कच्चे माल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे यूपी के 22 जिलों और 87 तहसीलों को टच करेगा। इससे इन इलाकों में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और 2034 तक यूपी को 5,00,000 करोड़ की सौगात देने का वादा किया है। तो दोस्तों, समझो ना, गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ रोड नहीं है, ये यूपी की तरक्की की नई राह है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ राज्य को जोड़ेगा बल्कि इंडस्ट्रीज और सिक्योरिटी के लिए भी तगड़ा कदम होगा। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।